हे एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज बूस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेट के काउंसलिंग 2021 के बारे में। अभी आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैसे ये काउंसलिंग होने वाली है, क्या इसकी पूरी प्रोसेस होने वाली है, किस तरीके से आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से आपको इसके अंदर सारी काउंसलिंग होगी, कैसे राउंड वन से आप राउंड टू में जाओगे, क्या क्या इसके अंदर आपको डिसीजंस लेनी है, कैसे आपको पेमेंट करनी है, हर एक एक पॉइंट आपको कॉमेट के वालों ने अभी रिलीज़ कर दिया। इस वीडियो के अंदर आपको हम इसे ब्रीफली में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। अगर प्रॉब्लम आपको आती भी है, आप कॉमेंट कर सकते हो, हमसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पूछ सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन होती है जो आपकी एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, उस क्वेश्चन को आप वीवीआई मार्क कर देते हो, वैसे इस वीडियो को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताए जाने वाले एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसे जाने आप कॉमेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम भी आ सकती है। यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को 2x की स्पीड पर देख सकते हो, लेकिन आपको हर एक पॉइंट को सुननी है, किसी पॉइंट को आपको स्किप नहीं करनी है। एंड यहाँ पर हमने हर एक पॉइंट की जो इस वीडियो के अंदर हमने बताया उन सबकी हमने टाइम स्टैम्प दे दी है। अगर आप फ्यूचर में चलते हो काउंसलिंग के अंदर, कभी भी आपको किसी चीज़ के अंदर डाउट आती है, तो आप दोबारा इस वीडियो को लगाकर उस टाइम स्टैम्प पर जाकर उस वीडियो को, उस टॉपिक को देख सकते हो काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, सो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे कॉमेट की काउंसलिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस तरीके से होने वाली है। सो कॉमेट की काउंसलिंग 2021 की रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट हो चुकी है। 23 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी एंड 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। आप इसे रजिस्टर कर सकते हो कॉमेट की ऑफिशियल वेबसाइट cometk.org के ऊपर जाकर। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारी कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉमेट की काउंसलिंग के अंदर। यहाँ पर जो बच्चे के पास कॉमेट की 2021 की रैंक कार्ड होगी, जिन्होंने कॉमेट के एग्जाम के अंदर अपीयर किया था, वो रजिस्टर कर सकते हैं कॉमेट की काउंसलिंग के लिए। जिन्होंने क्लास 12th के अंदर इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट ली थी, जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 45% एग्रीगेट मार्क्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं कॉमेट के काउंसलिंग के लिए। जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हैं क्लास 12th में, मान लो जो कहते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, वो उन्हें भी वो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। जब अभी नॉर्मल बच्चे भी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तब भी आपको साथ साथ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। आपके लिए अलग से कोई ऐसा टाइम कॉमेट के लॉन्च नहीं करेगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, आपको अभी साथ में ही डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है सप्लीमेंट्री कैंडिडेट वालों को। यहाँ पर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट को यह भी कहा गया कि यहाँ पर जो 3 राउंड होती हैं आपकी कॉमेट के की, उन 3 राउंड के बाद अलग से 1 राउंड होगी जिसको एक्सक्लूसिव राउंड कहते हैं। एक्सक्लूसिव राउंड के अंदर आपको सप्लीमेंट्री कैंडिडेट वालों को जो सीट बचती है आपको 3 राउंड के बाद, अगर कोई सीट बचती है, लेफ्ट ओवर सीट जो होती है, वो सीट्स पे आपको दी जाएंगी सीट्स, ठीक है। तो आपकी जो एक्सक्लूसिव काउंसलिंग होगी वो सिर्फ सप्लीमेंट्री कैंडिडेट वालों की होगी। सो बात करते हैं काउंसलिंग किस तरीके से होगी आपकी कॉमेट के की। तो यहाँ पर आप एक ओवरव्यू देख लेते हो। सो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है कॉमेट की काउंसलिंग के लिए, जहाँ पर आपको 2000 रुपीज़ पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल फी होगी। यहाँ पर उसके बाद आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वेरीफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाती है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कॉमेट के काउंसलिंग की राउंड वन के अंदर आप पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा। चॉइस फिलिंग में जहाँ पर अपने आप अलग अलग ब्रांचेस डालोगे हर एक कॉलेज की, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है इसके ऊपर वीडियो आएगी हमारे कॉलेज बूस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चॉइस फिलिंग के बाद आपके पास आएगा मॉक अलॉटमेंट। मॉक अलॉटमेंट में ये होता है कि जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके मुताबिक वो आपको एक आइडिया सा देता है कि किस टाइप की कॉलेज आपको मिलने की चांसेस है आपके चॉइस फिलिंग के थ्रू, ठीक है। बस वो आइडिया देने के लिए होता है, तो आप उसे देख सकते हो ना। फिर आप चाहो तो आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो चॉइस फिलिंग में, ठीक है। उसके बाद आपके राउंड वन के रिजल्ट आते हैं, फिर राउंड वन के बाद फिर आपको अलग अलग टाइप के डिसीजंस होते हैं जो आपको लेनी होती है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ये इन सब के बारे में आपको इस वीडियो के आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपको मैं जस्ट ओवरऑल बता रहा हूं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। राउंड वन के रिजल्ट आ जाएगी, फिर आप डिसीजन लोगे, उसके बाद आप राउंड टू या फिर राउंड थ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रही है उसमें आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है कॉमेट के की वेबसाइट के ऊपर जाकर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर नहीं, लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर जाकर कॉमेट के की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन करना है cometk.org पे। वहाँ पर आप जाकर देखोगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले टैब के ऊपर जाओगे, जहाँ पर आपको जाकर 2000 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट आप कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है इन सब की मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी है, ठीक है। एंड आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहो उस वीडियो को देख सकते हो, आई बटन पर क्लिक कर आई बटन पर आपको शो हो जाएगा, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दी होगी इस वीडियो की, ठीक है। तो आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी है। जिन बच्चों की डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाती है कॉमेट की तरफ से, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको कॉमेट के काउंसलिंग के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे अगर हमारी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है तो हमें किस तरीके से पता कर सकते हैं उस चीज़ की। तो देखो यार, आपको कॉमेट की वेबसाइट पर जाना है, एप्लीकेशन लॉगिन करनी है, वहाँ पर आप जाओगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले टैब के अंदर, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड हुई है या अपलोड हुई है या फिर अपलोड नहीं हुई है। वहाँ पर अप्रूव्ड लिखा होगा या फिर वहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल बन गया होगा या फिर यहाँ पे टिक हो गया होगा, ठीक है। इस तरीके के कुछ आपको सिंबल या साइंस देखने को मिलेंगे उसके अंदर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुकी है ना, फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो।
अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट के भी यहाँ पर अलग अलग स्टेटस होते हैं जो कि आपको शो होती है कॉमेंट की वेबसाइट के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट की स्टेटस के बारे में। सबसे पहले जो आती है हमारी डॉक्यूमेंट सबमिटेड। डॉक्यूमेंट सबमिटेड के अंदर ये होता है कि आपने जब कॉमेंट के को डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई होने के लिए चला गया है डॉक्यूमेंट ऑफिसर के पास। ठीक है, अगली स्टेटस आती है हमारी रीसबमिट की। रीसबमिट आपको तब शो होगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपके एप्लीकेशन के ऊपर, कि जब आपने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है जो कि अच्छे से, मान लो कि अच्छे से स्कैन नहीं हुआ या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, ठीक है, तो उस समय आपको ये रीसबमिट का शो होगा यहाँ पर आपके एप्लीकेशन के ऊपर। तब तक आपकी एप्लीकेशन होल्ड पर रख दी जाएगी कॉमेंट के की तरफ से, एंड फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको दोबारा से इस चीज़ को रीसबमिट करना है, फिर आप उसे चाहो तो दोबारा रीसबमिट कर सकते हो। अगली स्टेटस शो होगी आपकी डॉक्यूमेंट रीसबमिटेड की। ये आपको तब शो होगी कि जब आपने दोबारा से रीसबमिट कर दिया है उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, और आपको वेरीफाई होने के लिए वो चली जाएगी ऑफिसर के पास। अगली स्टेटस आती है हमारी डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड के बारे में। डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड ये आपको तब शो होगा कि जब आपकी कोई गलत डॉक्यूमेंट है और आपकी, मतलब कुछ फ्रॉड कर रहे हो या फिर कुछ भी गलती आपने कर दी है उस काउंसलिंग के अंदर या फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, आपकी नेम एकदम टोटली अलग हो गई है, बहुत ज़्यादा अलग हो गई है, ठीक है, तो उस चीज़ में वो प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो कॉमेंट के काउंसलिंग के अंदर। अगली स्टेटस है हमारी अंडर रिव्यू, जिसमें होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो गई है रिव्यू के लिए कॉमेंट के पास। सो ये सब आप जितने भी मैंने आपको बताया स्टेटस, ये आपके शो होते रहेंगे आपके अकाउंट के ऊपर जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड वाले टैब के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये शो होते रहेगा, ठीक है। जब आपकी डॉक्यूमेंट अच्छे से सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी तो अप्रूव्ड का आपको ऑप्शन वहाँ पर, अप्रूव्ड का जो आपको जो भी सिंबल होगा या फिर अप्रूव्ड लिखा होगा आपको शो हो जाएगा उस टैब के अंदर। अगले पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फॉर वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था, यानी कि यहाँ पर भी मैं आपको डिस्प्ले करते रहा। बहुत सारे सीबीएसई के बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें क्या अपलोड करना है, एडमिट कार्ड या फिर ट्वेल्थ कार्ड का मार्क्स कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप ट्वेल्थ क्लास की एडमिट कार्ड को अपलोड कर सकते हो या फिर आप सीबीएसई की क्लास ट्वेल्थ की मार्क्स कार्ड को अपलोड कर सकते हो डिजी लॉकर से निकाल कर, जिसमें आपकी क्यूआर कोड दिख रही होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हो कॉमेंट के की न्यू अपडेट आई है, ठीक है। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है हर एक कैटेगरी की, तुलू की, एचकेआर की, तेलुगू की एंड आपको जनरल मेरिट की, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी। अगली पॉइंट हम बात करते हैं काउंसलिंग राउंड्स के बारे में, किस तरीके से आपके राउंड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 राउंड्स होने वाली है कॉमेंट के 2021 काउंसलिंग के अंदर। यहाँ पर तभी आप अगले राउंड में जा सकते हो जब आपने पहले राउंड में कोई डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लेनी है, किस टाइप के, कितने तरीके के डिसीजन होते हैं, वो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मान लो कि अगर आप राउंड वन में आप कोई डिसीजन लोगे तभी आप राउंड टू में जाओगे। अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाती है तो आप राउंड वन में ही निकल जाओगे, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या क्या डिसीजन होती है उन सब के बारे में बात करेंगे आगे चलकर वीडियो के अंदर। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट जो है वो राउंड वन, राउंड टू एंड राउंड थ्री के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से एक राउंड होने वाली है जो कि आपकी एक्सक्लूसिव राउंड। जो सीट बच जाती है उनकी, उनके लिए वो सीट मिल जाती है सप्लीमेंट्री कैंडिडेट वालों के लिए, एंड वो राउंड एक्सक्लूसिव राउंड के अंदर उन सीट्स को ले सकते हैं, ठीक है। सो आपकी 3 राउंड होने वाली है कॉमेंट की काउंसलिंग के अंदर। यहाँ पर आपको सेकंड राउंड के अंदर आप देखोगे यहाँ पर 2 फेज़ हो गए, यहाँ पर 2 फेज़ में डिवाइड कर दिया गया सेकंड राउंड को। फेज़ वन आपको एचकेआर तुलू एंड तेलुगु कैटेगरी के लिए, एंड आपको फेज़ टू है वो आपको जनरल मेरिट कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड राउंड वन आपको जनरल मेरिट कैटेगरी के लिए, एचकेआर कैटेगरी के लिए भी है, तुलू के लिए भी है, तेलुगु के लिए, चारों के लिए। एंड जो आपको राउंड थ्री लास्ट राउंड है वो सिर्फ आपको जनरल मेरिट कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर राउंड वन के अंदर अगर आप चाहो तो सीट को सरेंडर कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो। एंड अगर आपकी कोई रिफंड भी है, अगर आपने कोई एक्सेप्ट भी कर दिया गलती से अगले राउंड में चले गए तो आप उसे वापस भी ले सकते हो फीस को राउंड वन के अंदर। राउंड टू के अंदर भी आप सरेंडर या कैंसिल कर सकते हो सीट को, लेकिन राउंड थ्री के अंदर आप सरेंडर या कैंसिल नहीं कर सकते हो सीट को। अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपको वो सीट लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको वो रिफंड नहीं मिलती है, ठीक है। तो राउंड वन और राउंड टू के अंदर आपको सरेंडर का ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो उस टाइम पर सरेंडर करके अगर आप कोई रिफंड भी आपने अगर कोई सीट को एक्सेप्ट भी कर लिया गलती से भी तो आप अपने रिफंड को ले सकते हो वापस उस सरेंडर पीरियड के अंदर। अगली पॉइंट आती है हमारी सीट मैट्रिक्स एंड फीस के बारे में। तो देखिए यार, हर एक कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है इसकी डाटा भी कमेंट के ने रिलीज़ नहीं की है। वैसे हमने एक एक्सपेक्टेड सीट की जो डाटा होती है वो हमने अपने वीडियो के थ्रू अपलोड किया था इस साल 2021 के लिए, वो आप उसे आप चेकआउट कर सकते हो आई बटन पर क्लिक करके या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी उसकी लिंक दे दी है, जिस वीडियो को आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। वही बात करें फीस के बारे में, तो टोटल फीस कितनी होने वाली है, अगर आपकी कोई सीट मिलती है आपको कितनी पे फीस करनी पड़ेगी, या आपकी कॉलेज की कितनी फीस होगी ओवरऑल टोटल फी और अदर फी मिलाकर, उसकी भी आपको डाटा अभी तक कमेंट के वालों ने नहीं दी है। जब भी वो डाटा आती है इन दोनों चीज़ों की हम इस चीज़ को अपलोड कर देंगे अपने चैनल के ऊपर, एंड इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। एंड
यहाँ पर जो बच्चे को मैं बताता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि हमारे हमें क्या पूरे पैसे पे करने होंगे कॉमेट के को। तो हाँ देखो यार, जब आपकी सीट मिल जाती है, आपकी सीट को एक्सेप्ट कर ले तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर देते हो, या फिर एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ कर देते हो आप किसी चीज़ को, ठीक है। अगर आप सीट को ले लेते हो तो आपको वहाँ पर टोटल फ़ीस प्लस अदर फीस जो होती है आपकी कॉलेज की, वो आपको पे करनी पड़ेगी कॉमेट के को। एंड वो कॉमेट के आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देगा उस कॉलेज के अंदर, ठीक है। एंड आपको वो सीट मिल जाएगी जब आप कॉलेज को जाकर रिपोर्ट करोगे तो, ठीक। एंड यहाँ पर कॉमेट के ने ये भी मेंशन कहा है कि यहाँ पर जो अलग अलग कॉलेजेस की जो लैब फैसिलिटीज़ की जो फीस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि आपको 10,000 से स्टार्ट होकर 20,000 तक जाती है। वो आपके फ़ीस में, अदर फीस में भी ये आपको फ़ीस आपको इंक्लूड हो जाती है। सो हम बात करते हैं चॉइसेस एंड डिसीजंस के बारे में, जो कि आपको कॉमेट के काउंसलिंग के अंदर करनी है। हर एक राउंड के बाद क्या क्या होती हैं, किस किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर जो आपको होती हैं, चार आती हैं इस चीज़ के अंदर आपको डिसीजन जो लेनी होती है हर एक राउंड के बाद, जो कि होती है सबसे पहली आती है एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन। क्या होता है कि मान लो कि अगर आप राउंड वन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपने डाली है, आपने बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपने चॉइस फिलिंग में डाली है, मान लो कोई भी ब्रांच आपने सीएससीएस डाल दिया, ठीक है, एंड आपने रमैया डाल दिया, बीआईटी डाल दिया, दयानंद सागर डाल दिया, ठीक है। तो आपके राउंड वन में ही आपकी जो टॉप पे कॉलेज थी चॉइस फिलिंग में, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थी, वो आपको राउंड वन में मिल गई, ठीक है। तो आपको टॉप कॉलेज मिल गई, टॉप ब्रांच मिल गई, अब आपको तो आगे पार्टिसिपेट करना नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दोगे राउंड वन में। जब आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे ना, तो वो सीट आपको मिल जाएगी ना, आप वहीं पर फ्रीज हो जाओगे। उसके बाद फिर आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो आपकी टोटल फीस होगी वो आपको पेमेंट करनी है। फिर आपको अपनी अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, फी रिसिप्ट को डाउनलोड करना है, एंड वो लेकर आपको कॉलेज पहुंच जाना है। आप कॉलेज में रिपोर्ट कर आपको एडमिशन ले लेनी है। सो ये होता है आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अगली डिसीजन आती है हमारी एक्सेप्ट एंड अपग्रेड की डिसीजन। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड की डिसीजन जब आती है कि मान लो कि आपको राउंड वन के अंदर कोई कॉलेज मिल जाती है, लेकिन आपको लगता है कि राउंड टू के अंदर कोई कॉलेज मिल जाएगी उससे अच्छी, लेकिन आप राउंड वन की कॉलेज को भी एज अ बैकअप रखना चाहते हो, तो आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का यूज़ करते हो। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो कि आपने राउंड वन में तीन कॉलेज को भरा, आपको आरवी के सीएस डाली, आपने बीएमएस के सीएस डाली, आपने रमैया के सीएस डाली। तो यहाँ पर मानो कि आपको रमैया के सीएस मिल जाती है राउंड वन के अंदर, लेकिन आपको लगता है कि राउंड टू के अंदर आपको बीएमएस की सीएस मिल सकती है, ठीक है, आपको या फिर आरवी के सीएस मिल सकती है। तो लेकिन आप ये रमैया के सीएस भी नहीं खोना चाहते, उसे भी आप बैकअप रखना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप रमैया के सीएस को बैकअप रखने के लिए, फिर आगे फॉरवर्ड करने के लिए अगले राउंड में, तो आपको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी रमैया के सीएस आपके एज अ बैकअप रखी रहेगी, एंड अगर आपको राउंड टू में कोई अच्छी कॉलेज मिलती है तो आपकी रमैया की जो सीएस होगी ऑटोमेटिकली पहले वाली कैंसिल हो जाएगी, एंड आपको उससे अच्छी वाली कॉलेज राउंड टू के अंदर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास डिसीजन होता है कि उसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, फिर अगले राउंड में जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड इस तरीके से आपको यूज़ होता है। यहाँ पर अगली ऑप्शन आती है हमारी रिजेक्ट एंड अपग्रेड की। तो रिजेक्ट एंड अपग्रेड के अंदर ये होता है कि आपने मान लो कि राउंड वन के अंदर कोई ऐसी कॉलेज मिल गई जो आपको चाहिए ही नहीं थी, एकदम गलती से आपको मिल गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर सकते हो। जो आपको कॉलेज दम नहीं चाहिए, आपको लगता है कि नहीं ऐसे इसे बैकअप रखना भी सही नहीं होगा, ठीक है, तो उसे आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर सकते हो, फिर अगले राउंड में जा सकते हो। यहाँ पर हो सके आपको अगले राउंड में कोई अच्छी कॉलेज मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जब आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड भी करते हो तो यहाँ पर भी आपको टोटल फीस जो होगी आपको कॉमेट के को पे करनी होगी। टोटल फीस किसकी पे करनी होगी, जिस कॉलेज को आपने रिजेक्ट किया उस कॉलेज की आपको टोटल फीस को पे करनी होगी कॉमेट के को, तभी आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये इस बार कॉमेट के ने इस काउंसलिंग को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लिया है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे अनवांटेड बच्चे आ गए थे, इसलिए काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए इस साल कॉमेट के वालों ने इस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लागू किए इस साल, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से आप ध्यान रखें एंड फॉलो करें। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में भी आपको टोटल फीस पे करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हो। इस बार आप एक बार क्या करो, आप कॉमेट की वेबसाइट पर जाकर जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपकी जो न्यू डाटा आई है, जो आपकी न्यू नोटिफिकेशन आई है कॉमेट की तरफ से, उनके अंदर दी हुई है, मैं अपलोड भी कर दूँगा, ठीक है, उसे भी आप अच्छे से एक बार पढ़ सकते हो। अगली डिसीजन आती है हमारी रिजेक्ट एंड विड्रॉ की। रिजेक्ट एंड विड्रॉ के अंदर ये होता है कि मानो राउंड वन के अंदर आपको कोई ऐसी कॉलेज मिल गई जो आप लेना चाहते थे, लेकिन आप दूसरी काउंसलिंग में देखो, या फिर आपने दूसरे कॉलेज में कहीं अच्छी जगह एडमिशन ले लिए, आप अब चाहते नहीं हो पार्टिसिपेट करना आगे इस कॉमेट के काउंसलिंग के अंदर, तो यहाँ पर आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हो। जब आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ करोगे तो वहाँ पर आप उस काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फिर अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट जाहिर सी बात नहीं कर पाओगे ना, आपको कोई फीस भी पेमेंट नहीं करनी, आप काउंसलिंग से इजीली बाहर हो जाओगे। ये होती है आपकी रिजेक्ट एंड विड्रॉ की ऑप्शन, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी टोटल डिसीजन के बारे में, जो कि आपको होती है कॉमेट के काउंसलिंग के अंदर, जो आपको फॉलो करनी है, यही आप करते करते आगे हले के राउंड में जाओ। और कॉमेट के ने ये भी कहा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन किसी राउंड के अंदर नहीं लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट एंड विड्रॉ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप कॉमेट के काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। एंड मान लो कि अगर आप डिसीजन एक बार लेते हो ना, तो एक ही बार ले सकते हो। आप चाहो कि आप एक बार एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दिए, फिर आप चाहते हो एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ करना, तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ कर दी तो कर दी, अब उसे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पूरे सोच समझ कर ही उसे आप करें,
लास्ट टाइम तक आप उसे सोच लें, उसके बाद ही आपको जो डिसीजन लेनी है वो लें सोच समझ कर, क्योंकि आप एक ही बार इस चीज़ को ले सकते हो, डिसीजन को आप इसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। अगली चीज़ हमारी राउंड टू में जो आप देखोगे दो फेज़ में आपको होने वाली थी, इसकी जो आपकी जो जो डिसीजन होने वाली है, जो जो डिसीजन आपको अवेलेबल होगी इस सब राउंड के अंदर, राउंड टू के अंदर स्पेसिफिकली, वो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। उसे आप चेकआउट कर सकते हो, हर एक चीज़ को कंपेयर करके यहाँ पर दिया गया कि हर एक राउंड के अंदर कौन कौन से डिसीजन अवेलेबल है, ठीक है, इसे आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सरेंडर पॉलिसी एंड सीट कैंसिलेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट मानो कि राउंड वन या राउंड टू के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर राउंड वन या राउंड टू के अंदर किसी कॉलेज के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सीट को अब मतलब लेना नहीं चाहते हैं उस कॉलेज के अंदर एडमिशन, उन्होंने फ़ी पेमेंट भी कर दिया, टोटल फ़ी को उन्होंने पे कर दिया है कॉमर्स की काउंसलिंग के अंदर, तो वो चाहते हैं कि सरेंडर होकर सारे रिफंड को वापस लेना। तो यहाँ पर वो एक सरेंडर टाइम रिलीज़ करते हैं कॉमर्स के वाले, ठीक है, मान लो कि 1 से 2 तारीख के अंदर उन्होंने सरेंडर टाइम रिलीज़ किया, तो 1 से 2 तारीख के अंदर अगर आप सरेंडर करते हो अपने सीट्स को, तो आपको सीट कैंसिल आपकी हो जाएगी एंड आपको जो भी रिफंड होती है वो आपकी अकाउंट के ऊपर आपको वापस मिल जाएगी। अगर आप वही राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करते हो कॉमेंट की काउंसलिंग के अंदर, तो यहाँ पर आप सरेंडर नहीं कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप सरेंडर नहीं कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको उस कॉलेज के अंदर, जो भी कॉलेज आपको राउंड 3 के अंदर मिलती है, उसमें एडमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप राउंड 1 में हो, आपने एक्सेप्टेंस फ्रीज या फिर एक्सेप्टेंस अपग्रेड कर दिया है, लेकिन आप चाहते हो सीट को सरेंडर करना, तो राउंड 2 से पहले आपको सरेंडर पीरियड आता है, ठीक है, राउंड 2 से पहले ही आपको सरेंडर करना पड़ेगा, तो आपकी पैसे आपको वापस मिलेंगे, आप फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो पाओगे, ठीक है। अगर आप राउंड 2 में हो, ठीक है, आपने एक्सेप्टेंस फ्रीज या एक्सेप्टेंस अपग्रेड कर दी है, आपने फी पेमेंट कर दी है, तो आप राउंड 3 से पहले ही आपको सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर पीरियड आएगा, तो राउंड 3 से पहले जब सरेंडर करोगे तो ही आपकी जो फीस होगी वो आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। एंड याद रहे कि अगर राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको सरेंडर करने का मौका फिर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 2 राउंड तक ही अवेलेबल है। बात करते हैं फी रिफंड पॉलिसी के बारे में, टोटल फी आपको कैसे मिलेगी अगर आप कॉमेंट के काउंसलिंग से बाहर आते हो। तो अगर आप सरेंडर पीरियड में एक सही टाइम पर सरेंडर करते हो, जो कॉमेंट के रिलीज़ करती है, तो अगर उस टाइम के अंदर अगर आप सरेंडर कर देते हो, तो जो भी आपकी फ़ीस होगी जो आपने सबमिट किया, वो सबकी आपको रिफंड आपके अकाउंट पर आपको मिल जाएगी। वही अगर जो बच्चे की नेम आपको फाइनल लिस्ट में आ जाती है, ठीक है, अगर उस कॉलेज के अंदर उस बच्चे की नेम फाइनल लिस्ट में आ जाती है, तो वहाँ पर अगर बच्चा उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है, सीट को कैंसिल करता है, तो यहाँ पर सीट ब्लॉकिंग का यूज़ करके कॉमेंट के आपको वो सीट कैंसिल कर देगी, लेकिन आपको वापस आपकी जो पेमेंट होगी, आपकी जो फीस होगी, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें एंड अच्छे से आपको कॉमेंट के काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करनी है। हमारी हर एक वीडियो आती रहेगी हमारे चैनल के ऊपर कॉमेंट के काउंसलिंग 2021 के ऊपर, चॉइस फिलिंग के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर किस तरीके चॉइस फिलिंग करनी है, आप अपने से खुद से बहुत अच्छे तरीके से कॉमेंट की काउंसलिंग कर सकते हो, एक अच्छी कॉलेज को पा सकते हो, ठीक है। अभी हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे, हमारे सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो जल्द से जल्द वीडियो पाने के लिए। So thank you for watching this video and have a nice day.